नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव की महा उपासना का पर्व छठ आरंभ हो चुका है और अब समय आ गया है सूर्य देव को अर्घ देने का और अपने और दुनिया के कल्याण की प्रार्थना करने का। तो आज हम बात करेंगे सूर्य देव की इस महा उपासना के बारे में, छठ के अर्घ के बारे में और इसके नियमों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप और साथ में बताएंगे एक सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 नवंबर 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 11:47 तक चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 5:54 तक राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 7 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। केतु विद्यमान है कन्या राशि में, सूर्य तुला राशि में, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं छठ के महापर्व की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि छठ पूजा है क्या और इसका वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है। देखिए, कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा पाई जाती है और कार्तिक शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। छठ की पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। अंग देश, जहां पर आजकल भागलपुर है, मुंगेर है, वो अंग देश है। अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे, इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखाई देता है और तकनीकी रूप से महाराज कर्ण ने ही सूर्य पूजा का आरंभ किया था। कार्तिक मास में सूर्य
अपनी नीच राशि में होते हैं, इसीलिए कार्तिक के महीने में सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान ना करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी तिथि की पूजा से एक तो संतान की प्राप्ति होती है और दूसरे संतान के आयु की रक्षा भी हो जाती है, दोनों काम हो जाते हैं। इस महीने में यानी कार्तिक के महीने में सूर्य की उपासना करके हम अपनी ऊर्जा और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। सूर्य संतान का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, सूर्य संतान का नैसर्गिक स्वामी है और षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान के साथ। तो जब कोई महिला या पुरुष षष्ठी तिथि पर सूर्य देव की उपासना करते हैं तो उनको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है, या संतान संबंधी अगर कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल दूर हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा, नौकरी में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि छठ का पर्व मनाने का तरीका क्या है, छठ की पूजा विधि क्या है। देखिए, कुल मिला के ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से और सप्तमी तिथि को अरुण वेला में प्रातः काल इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है और जैसे ही व्रत की शुरुआत होती है स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
नहाए खाए पर लौकी और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को कहते हैं लोहंडा खरना। इस दिन दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर गन्ने के रस की या गुड़ की बनी हुई होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता है। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तीसरा दिन षष्ठी तिथि का होता है और तीसरे दिन की शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और साथ में एक विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। जो अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को, उसमें जरा सा दूध मिलाया जाता है। अर्घ दिया जाता है दूध से और जल से। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। उगते हुए सूर्य की पहली किरण को अर्घ देते हैं। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। इस बार पहला अर्घ दिया जाएगा 7 नवंबर को संध्या काल में डूबते हुए सूर्य को और अंतिम अर्घ दिया जाएगा 8 नवंबर को प्रातः काल उगते हुए सूर्य को। छठ पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम बन जाएंगे, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा, संपत्ति खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति छठ का पालन करता है या छठ का व्रत रखता है तो इसके लाभ क्या हैं? देखिए, जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है या संतान होकर
बार बार समाप्त हो जाती हो, ऐसे लोगों को छठ का व्रत रखना चाहिए, उन्हें संतान के मामले में काफी लाभ होगा। अगर संतान है और संतान पक्ष से कोई कष्ट रहता है तो भी ये व्रत बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। अगर कुष्ठ रोग है या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या है तो भी इस व्रत को रखना हर लिहाज से शुभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या राज्य पक्ष से गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भी छठ का पालन करना चाहिए और छठ का व्रत जरूर रखना चाहिए। देखिए, छठ का जो व्रत है वो बड़ी सावधानी से और बड़ी बुद्धिमानी से रखा जाता है। इसके नियम बड़े कठोर हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो व्रत की सावधानियां क्या हैं? छठ का व्रत अत्यंत सफाई का व्रत और अत्यंत सात्विकता का व्रत है। इसमें कठोर रूप से सफाई का ख्याल रखना चाहिए। छठ के व्रत में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सफाई। घर में अगर एक भी व्यक्ति छठ का उपवास रखता है तो बाकी सभी को भी सात्विकता का और स्वच्छता का पालन करना चाहिए। महिलाएं बहुत बार जोश में आकर बिना सोचे विचारे ये व्रत रख लेती हैं। मैं बता दूं कि महिलाएं या पुरुष अपने स्वास्थ्य को पहले देख लें। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, हाई शुगर आपको रहती है, तो बहुत सोच समझकर और डॉक्टर से परामर्श ले करके तभी इस व्रत को रखिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम बन जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, करियर में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधा समाप्त तो होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप।
अगर कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक गया है या फंस गया है और वो काम आप करना चाहते हैं, तो हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा की माला अर्पित करिएगा, आपका बड़े से बड़ा काम जो रुका हुआ है वो बन जाएगा। बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। दिनांक 7 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान को पीला फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान सूर्य की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।